हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता पांडे और आज मैं आपके सामने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ जो 11th क्लास का है। और इसमें हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड लिविंग बींग जो है वो नॉन लिविंग बींग से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं और लिविंग बींग में जो भी वेराइटीज़ होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, वो किस वजह से होती हैं। फिर हम उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्लासिफिकेशंस जो हैं वो किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है, क्या उसका सिस्टमेटिक वे होता है, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं अपने जो भी क्लासेस लूँगी, जो भी वीडियोस बनाऊँगी, उसमें मैं NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो यही रहेगा कि मैं NCERT को डिक्टेट करके उसी से मैं क्वेश्चंस बनाऊँगी, उसी की डेफिनेशंस का इस्तेमाल करूँगी। और फिर जब मेरा टॉपिक पूरा कवर अप हो जाएगा तो उसके बाद में उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस करूँगी, उसकी भी वीडियोस अपलोड करूँगी। और जो मोस्ट आस्क क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन का किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी और उसकी वीडियोस आपके लिए मैं बना दूँगी। और उसको आप चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस क्वेश्चन आंसर की, और एक अच्छे वे में आपके पास एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत की गई है लिविंग वर्ल्ड से, तो उसमें एक फर्स्ट पैराग्राफ में आपके लिए कुछ लाइंस लिखी गई हैं। जो NCERT वाले होते हैं या जो हमें बुक प्रोवाइड की जाती है, वो कुछ भी लाइन ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, किसी भी लाइन में से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपके जो चैप्टर की शुरुआत है उसमें भी बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एंड कोऑपरेशन होते हैं, इकोलॉजी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यानी एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन आप पाए जाते हैं हमारे इकोलॉजी में। और कभी कभी क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं, कोऑपरेशन में वो कोऑपरेट भी करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो एक दूसरे से कोऑपरेट भी करते हैं, एंड अमंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ कम्युनिटी एंड इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। लाइफ है क्या? पहले मैं इस वर्ड, इस लाइन को आपको समझाना चाहूँगी कि ये लाइन कह क्या रहा है। लाइन ये कह रहा है कि हमारे अर्थ में वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी पाई जा रही है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है ऑफ द सेल, यानी सेल किस मटेरियल का बना है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, कौन से नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डाइवर्सिटी आ जाती है। अब डाइवर्सिटी आने के कारण कुछ लोग एक दूसरे को पसंद करेंगे, कुछ लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, जिसके कारण ऑर्गेनिजम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और कुछ में कोऑपरेशन भी क्रिएट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे कि मैं तुम्हारा ये काम करता हूँ, तुम मेरा ये काम कर दो, तो वो लोग पार्टनरशिप में कोऑपरेट करके रहना चाहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे, कॉम्पिटिशन होगा, एंड कॉम्पिटिशन का मेन कारण क्या है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाता है एंड सोर्सेज ऑफ फूड एंड सोर्सेज ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों एग्जिस्ट करेंगे इन अ पॉपुलेशन। और क्या होगा, बहुत सारा जो अर्थ में एक ट्रैफिक होता है वो क्रिएट हो जाता है हमारे लिविंग वर्ल्ड में, और एक वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको सर्वाइव करने के लिए वैरायटी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपको आपकी मम्मी जो हैं वो रोज़ यही खाना देंगी, राजमा चावल, राजमा चावल। वैसे राजमा चावल सबका फेवरेट होता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन हम डेली अगर उसी को खाएंगे तो एक टाइम हमको बोरियत हो जाएगी, इवन नफ़रत सी हो जाएगी उस चावल से और राजमा से, हम उसको खाना ही पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, भाई अलग अलग तरीके का खाना बनाया करो, थोड़ा टेस्ट चेंज होता है, थोड़ा जायका चेंज होता है, मूड चेंज होता है। तो इसी तरीके से एक अर्थ का जो डाइट है, एक अर्थ का जो क्या कह सकते हैं उसको, टेस्ट कह सकते हैं, वो कब मेंटेन रहेगा, जब उसको बैलेंस डाइट मिलेगा। बैलेंस डाइट मतलब उसको हर तरह के प्लांट्स मिलेंगे, हर तरह के एनिमल्स मिलेंगे, तब जाके अर्थ को हम बोल सकते हैं कि हाँ
अर्थ जो है वो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, कंपटीशन होगा, कॉपरेशन होगा, तभी नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और नए प्लांट्स बनते हैं। तो जब हम देखते हैं कि भाई अर्थ में इतनी पॉपुलेशन है, तो कोई लड़ रहा है, कोई कोऑपरेट कर रहा है, मतलब मकसद क्या है तुम्हारे लाइफ की जीने का, लाइफ का मेन मकसद क्या है, लाइफ है क्या? तो ऐसे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, लाइफ रियल में क्या है। तो इसमें से दो इंटीमेट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, एक हमारा टेक्निकल क्वेश्चन जनरेट होता है और दूसरा हमारा थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन जनरेट होता है। टेक्निकल क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि हाउ लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग, यानी लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग पूछ रहा है हमसे कि लिविंग और नॉन लिविंग में फाइनली डिफरेंस क्या है, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है। एंड जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हम जी क्यों रहे हैं, जीवन है क्या, ठीक है, और अर्थ में लाइफ का मेन पर्पस क्या होता है। तो ऑल टुगेदर इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम निचोड़ें तो मेन हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि लिविंग होता क्या है, लिविंग बीइंग होते क्या है, हम उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कुछ उसके हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो तो या तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग कह सकते हैं, किसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग में एग्जिस्ट करती हैं। तो आपके पास क्वेश्चन भी आएगा NCERT में कि जो लिविंग बींग में ये प्रॉपर्टी है डिफाइनिंग है, ये प्रॉपर्टी डिफाइनिंग क्यों नहीं है, गिव द रीज़न। आपका जो फर्स्ट वीडियो है 11th चैप्टर का वो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, क्योंकि आप अभी 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आए हो, एक स्पेसिफिक चैप्टर, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके आए हो, तो आपका बायो पर से विश्वास ना उठे, आपको बायोलॉजी अच्छे से समझ आए। आपका पहला चैप्टर ही जब आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा कि मेन लाइफ है क्या, लिविंग है क्या, जो आपका मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी वो है क्या, अगर आपको वही समझ नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि साइंस बहुत बोरिंग चीज़ है, साइंस हमसे हो नहीं पाएगी, साइंस बहुत टफ है, ठीक है। तो आपको जो पहला जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको पहले थिंक करने पड़ेंगे, फिर आप उसको आंसर कर सकते हो। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे फर्स्ट चैप्टर में कि ये क्या है एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनल, ऐसा करके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं आएगा आपके पास। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और फिर उसको लिखना पड़ेगा। तो हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे कि लिविंग होता क्या है एंड लिविंग के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, किस फीचर्स को हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स कहते हैं एंड किसको हम डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। जो भी नोट्स होंगे ये सभी नोट आपके NCERT अप्लाइटेड होंगे, मैं NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। हम अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे जिसे हम बोलेंगे व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग होता क्या है। तो जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, किसको हम लिविंग बींग्स बोलेंगे, ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको डिफरेंट बनाता है फ्रॉम नॉन लिविंग, जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई ये नॉन लिविंग नहीं है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हो गया, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो हम इन एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं एग्जाम में हम वो करेंगे। तो ग्रोथ बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ डिपॉजिट होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल एड ऑन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब जो डिपोजिशन ऑफ मास होता है या डिपोजिशन ऑफ एनी मटेरियल होता है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल जो होता है वो टू वेज में हो सकता है, या तो एक्सटर्नली बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्सटेंस आ रहा है, वो उसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो भी क्या होगा, मास उसका बढ़ेगा और हम बोलेंगे साइज पहले जो था वो सैंड ड्यून का इतना छोटा था और धीरे धीरे इसमें क्या हुए, सैंड ड्यून्स डिपॉजिट होते गए, सैंड डिपॉजिट होते गए, अब फाइनली जो सैंड ड्यून का साइज़ है देखो वो इतना बड़ा हो गया। तो क्या मैं इसको ग्रोथ बोलूँगी, क्या मैं इसको लिविंग बींग का एक करेक्टरिस्टिक फीचर बोलूँगी या डिफाइनिंग फीचर बोलूँगी, तो इस तरीके से आपसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं।
जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है इसमें क्या होता है, ओनली मटीरियल डिपॉजिट, ओनली मटीरियल डिपॉजिट ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस। वहीं इंटरनल ग्रोथ में क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ में भी वही होता है, डिपोजिशन ऑफ मटीरियल होता है, बट डिपोजिशन ऑफ मटीरियल होता है बट इंक्रीज इन सेल नंबर भी उसमें होगा साथ साथ। तो बेसिकली लिविंग बींग में आप ही बताओ किस टाइप का ग्रोथ होना चाहिए, एक्सटर्नल ग्रोथ होना चाहिए, इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए, इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए। तो लिविंग बींग में ग्रोथ की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द इंटरनल प्रोसेस एंड डिपोजिशन ऑफ मास टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यही होती है डेफिनेशन ग्रोथ की इन लिविंग बींग्स। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक माउंटेन जो है उसका साइज़ अभी थोड़ा कम था, कुछ सालों बाद उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, उसके शेप में हमको ग्रोथ दिखा है, तो क्या उस माउंटेन को आप लिविंग बोलोगे? नहीं, उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो लिविंग बींग होता है उसके अंदर जो ग्रोथ होता है वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है, अंदरूनी उसके अंदर ग्रोथ होते हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल बढ़ेगा, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनके साइज़ बढ़ेंगे, अंदर के जो भी टिश्यू मसल्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, उनका एरिया बढ़ेगा, तब मैं बोलूँगी कि वो ग्रोथ है। कुछ अनवांटेड ग्रोथ भी पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, इसमें भी अनवांटेड मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स में और वो क्या करता है, ग्रो करता रहता है और फिर फाइनली क्या होता है, वो ट्यूमर या कैंसर का रूप ले लेता है। तो हमारे जो बुक में बेसिकली जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ को लेकर डिफाइन किया गया है। वैसे जो ग्रोथ के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्रोथ जो होता है अभी आपने पढ़ा, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, एंड जो ग्रोथ होता है वो कुछ में डिटरमाइंड भी होता है, डिटरमाइंड भी होता है और कुछ में अनडिटरमाइंड भी होता है। अनडिटरमाइंड किस में होता है? प्लांट्स में अनडिटरमाइंड ग्रोथ होता है, क्योंकि जो प्लांट है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो करता रहता है, उसके ब्रांचेस कट जाते हैं, उसके लीव्स गिर जाते हैं, फिर भी प्लांट ग्रो करना नहीं छोड़ता। तो जितने भी प्लांट वर्ल्ड हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा? अनडिटरमाइंड होगा, कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होगा। एंड जो डिटरमाइंड ग्रोथ है वो किस में पाया जाता है? एनिमल वर्ल्ड में पाया जाता है, और इसमें कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ के बाद जो है ग्रोथ जो है ऑर्गन्स की वो बंद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बेसिकली लिखा है कि 18 साल की उम्र तक हमारी हाइट जो है वो ग्रो होती है, बट इन सम केसेस कुछ में देखा गया है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो आफ्टर 18 इयर्स भी, आप बहुत अच्छे एथलीटिक हो, तो 25 इयर्स जो है वो जो मैक्सिमम आपका क्या होता है, इसमें मैक्सिमम एज तक आपका क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद हमारी डेफिनेटली ग्रोथ जो होती है बॉडी की, बोन्स की, वो रुक जाती हैं। एक हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, नोज़ जो है वो हमारे थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है, हमारे बुढ़ापे तक, हमारे जीवन के अंत तक जो नोज़ है वो ग्रो करता रहता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे दादा परदादा जी के नोज़ का जो साइज़ देखो वो इंक्रीज़ होता रहता है, तो जो नोज़ है उसका जो ग्रोथ है वो कभी भी नहीं रुकता है ह्यूमन बींग्स में। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है वो डिटरमाइंड भी होता है, अनडिटरमाइंड भी होता है। यूनिसेलुलर में ग्रोथ जो होता है, यूनिसेलुलर में ग्रोथ सिर्फ किसके कारण होता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो ग्रोथ आप यूनिसेलुलर में किसको कहोगे? रिप्रोडक्शन। सेलुलर में ग्रोथ किसकी वजह से होता है? रिप्रोडक्शन की वजह से। और इस तरीके से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होते हैं। बट अगर वही आप देखोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम हो गए, उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो है एंड ग्रोथ इज नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्योंकि ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर में जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए हैं,
रिप्रोडक्शन के बाद ही हम कहेंगे कि नहीं जो सेल में है वो ग्रोथ हो रहा है। रिप्रोडक्शन नहीं भी होता है तो भी हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ होते हैं। आप देखते हो हमारे हेयर्स में ग्रोथ होते हैं, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमें कंटिन्यू उसको कट करना पड़ता है, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है एक तरीके से डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग नहीं है, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर। ये हमारा एक करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा ग्रोथ। तो इस तरीके से ग्रोथ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट जो हमारा फीचर है लिविंग फीचर, पहले मैं आपको सारे फीचर्स को डिस्क्राइब कर दूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे और कौन से डिफाइनिंग फीचर होंगे। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किसमें होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। और इसमें इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? ऑफ द प्रोजनी, ऑफ स्प्रिंग या फिर न्यू यंग वंस विच पोजेसिंग फीचर्स, जिसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, विच कुड बी मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। या तो वो एग्जैक्ट, या एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, एग्जैक्ट क्लोन में होता है, या तो वो ज़्यादातर उसके जो भी फीचर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स से मैच करेंगे, या फिर कुछ फीचर्स जो होंगे वो उनके पेरेंट्स से मैच करेंगे। ये जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर पोजेसिंग फीचर्स का मतलब जिसके अंदर लक्षण होते हैं मोर और लेस, ज़्यादा या फिर कुछ कम लक्षण जो होते हैं वो पेरेंट्स के जैसे उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो पोजेस करते हैं। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें टू डिफरेंट पेरेंट्स से टू डिफरेंट गैमेट्स आते हैं, वो गैमेट फ्यूज़ होते हैं और फिर उनके जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, और इस तरीके से हमें एक हाइब्रिड जनरेशन मिलता है, एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग मिलता है, जिसके अंदर दोनों पेरेंट की करेक्टरिस्टिक आएंगे और एक वो वेरिएंट की तरह हमारे पास सामने होगा जो भी प्रोजेनी आएगा। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सिर्फ एक सेक्स की ज़रूरत होगी, यानी ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड हियर। और इसमें जब एक पेरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसी के लक्षण उसके प्रोजेनी में जाएंगे। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर वेरी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और बिल्कुल कह सकते हैं एकदम क्लोन्स जनरेट हो जाते हैं, सारे के सारे बहुरूपीय होते हैं, यू कॉन्ट डिस्टिंग्विश कि कौन पेरेंट है कौन डॉटर सेल है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्लोन्स होते हैं, क्लोन्स भी जनरेट होते हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहला जो लिविंग क्लोन बनाया गया था वो था डॉली शीप। डॉली शीप नाम रखा गया था, डॉली शीप के क्लोन्स बनाए गए थे, तो हम इसको पढ़ेंगे, 12th क्लास में भी पढ़ेंगे अच्छे से। नाउ अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, किस किस के वजह से होता है ये भी आपके एनसीईआरटी में है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि फंगी जो होता है, फंगी के अंदर प्रोडक्शन किस वजह से होता है? उसके अंदर एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोर। उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब उसको लग रहा है कि भाई एनवायरनमेंट अभी ठीक नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एक थीका के अंदर या वॉल के अंदर वो सारे स्पोर्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही उनको क्या मिलेगा? फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, और वार्म कंडीशन हो गया, ठीक है, गर्मी हो गई, तो ये क्या करेंगे? दे विल डीहेंस, डीहेंस हो जाएंगे, फूट जाएंगे, और सारे के सारे स्पोर्ट्स जो होंगे वो कहाँ हो जाएंगे? सॉइल में गिर जाएंगे या फिर किसी सबस्ट्रेटम में गिर जाएंगे, और वहाँ पे फिर फंगस लगना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि फ्रिज में हम रखते हैं या फिर
गर्म एरिया में या ड्राई कंडीशन में अगर हम ब्रेड को रखते हैं तो वहाँ पे फंगस नहीं लगता है। लेकिन आजकल का जो मौसम चल रहा है, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम होता है, उसमें आप देखोगे जगह जगह पे फंगस लग जाते हैं, कपड़ों में से भी स्मेल आने लग जाती है। यानी स्पोर्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ग्रो कब करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी कब शो करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कब शो करते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। फिलहाल अभी हम ये पढ़ें कि ऑर्गेनिज्म क्या है और उसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो अपने बॉडी में क्या करता है, बर्ड्स निकालता है। सपोज दिस इज़ अ पेरेंट यीस्ट, ये क्या करेगा, अगर रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये अपने बॉडी में कुछ बर्ड्स को जनरेट करेगा, और ये बर्ड्स तब तक अपने पेरेंट के पास रहेंगे जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। ये अपने पेरेंट से सारा न्यूट्रिशन लेंगे, जब इनको लगेगा कि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो दे विल डी हैंड्स फ्रॉम देयर पेरेंट एंड वो कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में गिर जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, खुद पेरेंट बन जाएंगे और इनके अंदर बर्ड्स जनरेट होंगे, फिर ये भी ऐसे क्या होंगे, दोबारा सॉइल में गिर जाएंगे, और इस तरीके से यीस्ट जो है उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। नेक्स्ट आता है प्लानेरिया कैसे अपना रिप्रोडक्शन करता है, वो अपनी काउंटिंग कैसे बढ़ाता है। तो देखो प्लानेरिया में होता क्या है, अगर प्लानेरिया में समहाउ कोई उसका पार्ट कट गया, सपोज उसकी टेल कट गई, ठीक है, या उसका हेड कट गया, तो क्या होगा, उसके तीन टुकड़े कर दिए मैंने, 1, 2 एंड 3, तो जो नीचे वाला टेल वाला हिस्सा है वो अपना बाकी का ऊपर का पार्ट रीजनरेट कर देगा। बीच का यानी ये 1, बीच का जो आपका ये 2 पार्ट था, उसका थॉरेक्स वाला पार्ट था, वो ऊपर से क्या करेगा, माउथ जनरेट कर देगा, नीचे से टेल को जनरेट कर देगा, ये दूसरा प्लेनेरिया जनरेट हो गया। तीसरा प्लेनेरिया में हमने देखा उसका सिर्फ माउथ वाला हिस्सा था, बाकी नीचे का हिस्सा उसका गायब हो चुका था, वो उसको भी जनरेट कर देगा और क्या करेगा, एक तीसरा प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इस तरीके से एक प्लेनेरिया 3 प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब होते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, जो भी इसके फ्रेगमेंटेड पार्ट थे, इसके 3 फ्रेगमेंटेड पार्ट थे, तो वो जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रीजनरेट कर लेते हैं। किसको रीजनरेट कर लेते हैं, रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट, रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, और इस तरीके से फिर वो एक नए ऑर्गेनिज्म्स बन जाते हैं। ये हमारा पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, बट कुछ एक्सेप्शन आते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को भी हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। इट इज़ नॉट ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम नहीं कह सकते इसको कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, उसका रीज़न है, एक होता है म्यूल जिसे हम खच्चर बोलते हैं, कुछ वर्कर बीज होती हैं, और आजकल के केसेस में ये ज़्यादा सुनने को मिल रहा है इनफर्टिलिटी इन पेरेंट्स। तो जो इनफर्टाइल पेरेंट्स होते हैं वो भी अपना प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और जो वर्कर बीज हैं वो भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, और म्यूल हैं वो भी क्या करते हैं, प्रोजेनी को समहाउ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, बट दे आर लिविंग बींग्स, इनके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग की, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मोटाइल हैं, ठीक है, इनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, इनके अंदर भी ग्रोथ होता है, वो भी इंटरनल ग्रोथ होता है, बट फिर भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम इनको नॉन लिविंग बोलेंगे, नहीं, दे आर लिविंग। तो इस तरीके से लिविंग बींग का जो एक सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन, हम नहीं कह सकते कि इट इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड जो फीचर है वो ख़त्म होता है। चलते हैं अब थर्ड फीचर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ये क्या है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं हम उसको केमिकल रिएक्शन ना बोल के हम उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मैंने भी आपको बताया कि ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो जब हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो या तो हमारे बॉडी में कुछ बनता है या कुछ टूटता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है या फिर कोई सिंपल सब्सटेंस जनरेट हो रहा है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वन, तो उसके बेसिस पे हमने मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म।
सबसे पहले हम कैटाबॉलिज्म को समझेंगे। जब आप कैटाबॉलिज्म को समझ लोगे तो बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट जो है वो एनाबॉलिज्म है। याद करने का जो तरीका है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एना में क्या होता है, कैटा में क्या होता है। मैं खुद अपने जब 11th क्लास में थी मैं कंफ्यूज रहती थी। तो कैटा को आप रिलेट कर लो काटा। काटने में क्या होता है, कोई भी बड़ी चीज़ जो होती है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी रिएक्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर, कौन से रिएक्शंस, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, जितने भी हमारे बॉडी में डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उन सब रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, किससे बनते हैं, फ्रॉम द वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स। लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में तोड़ने की क्या ज़रूरत है, कैरी नहीं कर पाते उसको, ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए बॉडी क्या करता है, उसको सिंपल वन में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम खाने के तौर पे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट हमारा बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको एसिमिलेट नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, पहले उसको स्टार्च को सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट करके करेगा, तब जाके हमको एटीपी जनरेट होगी। आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट होता है, कोई घर पे बीमार पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, उसको वॉमिटिंग, लूज मोशन हो गया, बहुत वीक हो गया वो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको फटाफट बॉटल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनको ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम खाना खाएंगे वो पचेगा, पता नहीं कब ग्लूकोज बनेगा, कब पाइरूविक एसिड बनेगा, और फिर तब जाके उस वीक जो पर्सन है, बीमार है, उसको तब जाके एनर्जी मिलेगी। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको एनर्जी की ज़रूरत है, ऑलरेडी ये वीक हो चुका है, डिहाइड्रेटेड हो चुका है, तो वो हमें क्या करता है, डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की बॉटल्स हमको चढ़ाता है, और उससे बहुत जल्दी जो है पाइरूविक एसिड बन जाता है और हमें जल्दी एनर्जी मिल जाती है, और जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, वो रिकवर कर जाता है। तो जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हैं, बड़े में से छोटे सब्सटेंस को बनाने की जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। अब जब भी कैटाबॉलिज्म होगा तो बॉडी में से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एटीपी रिलीज होगा। और ये प्रोसेस किस लिए ज़रूरी होता है, हमें कोई एक्टिविटी करनी होती है, हमें कोई काम करना होता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया या मस्कुलर वर्क हो गया, उन सब के लिए हमें हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी का जस्ट अपोजिट हमारा एनाबॉलिज्म होता है। अगर ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है तो यहाँ देखिए आप, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये क्या करता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस, बहुत सारे सिंपल सब्सटेंसेस को लेके ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। और जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा तो इसके अंदर जो एटीपी जनरेट होगी वो क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। किसके अंदर स्टोर होगी, हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनल होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑब्वियस ही बात है ये कब जरूरी होगा, जब हमारे बॉडी में कुछ बनेगा तो हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए एनाबॉलिज्म रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये था कि कैन वी रिलेट मेटाबॉलिज्म विद द ग्रोथ, क्या हम मेटाबॉलिज्म को ग्रोथ से रिलेट कर सकते हैं, तो यस वी कैन रिलेट मेटाबॉलिज्म थ्रू द विद द ग्रोथ, बिकॉज मेटाबॉलिज्म जो है उसका एक पार्ट है जो एनाबॉलिज्म, वो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी में ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेन्स में जाके डिपॉजिट होंगे। ठीक है, बोन्स में ग्रोथ होगा, हम अच्छा खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमारे
बॉडी के हर एक ऑर्गेन्स और पार्ट्स जो होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ कब होगा? व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा तब जाके क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ कब होता है? व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं कि वो होश में है, वो कॉन्शियस में है अपने। तो उसको हम साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करेंगे? उसका जो आपका एनसीईआरटी में डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक ऐसी क्षमता होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें वो बाहर जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम स्ट्यूमुलाई बोलते हैं, स्ट्यूमुलस बोलते हैं, उसके अगेंस्ट वो जब कुछ रिस्पॉन्ड करेगा यानी रिएक्ट करेगा तो हम उसे बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने कॉन्शियस में है। अब ये जो है ये सिर्फ दो चीज़ों में ही पॉसिबल हो सकता है। एक तो क्या होना चाहिए? स्टिमुलस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? सेंसिटिविटी होनी चाहिए। दोनों जब एक साथ होंगे तभी क्या होगा? कॉन्शियस इज़ पॉसिबल। कॉन्शियस इज़ पॉसिबल। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? सिग्नल। क्या होता है? सिग्नल। सेंसिटिविटी का मतलब होता है अवेयरनेस। सिग्नल कुछ भी हो सकते हैं, हीट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, पेन हो सकता है, कुछ भी सिग्नल को सिग्नल कुछ भी हो सकता है जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टिमुलस बोलते हैं। अगर स्टिमुलस मुझे मिल रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कोई स्टिमुलस मिल रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे उसको सेंसिटिविटी, यानी वो स्टिमुलस के अगेंस्ट या टुवर्ड्स अवेयर है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे अभी बहुत ह्यूमिडिटी का टाइम है तो हीट की वजह से एंड ह्यूमिडिटी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। तो जब बहुत स्वेटिंग होता है तो हम क्या करते हैं? रिएक्शन शो करते हैं। हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि अपने जो फेस को है उसको वाइप करो। तो ये क्या कहलाता है? ये अवेयरनेस कहलाता है। यही चीज़ें हमें कोमा पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा। उसको आप चाहे जितना मर्जी हीट दो, जितना मर्जी पेन दो, वो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके जो कुछ नर्व्स हैं जिससे हम सेंसरी नर्व बोलते हैं, या तो सेंसरी नर्व डैमेज हो चुके हैं, सेंसरी नर्व उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं, या उसके जो मोटर नर्व्स हैं वो सिग्नल नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये हम ब्रेन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हम मेन क्या पढ़ना चाह रहे हैं इस लास्ट प्रॉपर्टी में, वो ये पढ़ना चाह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बट एक एक्सेप्शन आ गया है जिसमें हम पढ़ते हैं कोमा पेशेंट के बारे में, और इससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में एक क्वेश्चन भी है कि जो कोमा पेशेंट होते हैं उसको स्टिमुलस तो मिलता है बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी उसको उस स्टिमुलस के प्रति अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, तो फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास? हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आता है कि वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। डू नॉट शो एनी एक्टिविटी, डू नॉट शो एनी एक्टिविटी, वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो इस केस में आप कोमा पेशेंट को क्या बोलोगे? ए ऑप्शन लिविंग, बी ऑप्शन नॉन लिविंग, सी ऑप्शन डेड, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। हम कुछ भी नहीं कह सकते उसको, हम तब तक उसको कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि वो इस स्थिति से बाहर ना आए। या तो वो डेड हो जाए, उसका ब्रेन डेड हो जाएगा तो फाइनली वो डेड हो जाएगा, हम उसको नॉन लिविंग बोल देंगे, या वो अपने कोमा से वापस, नॉन लिविंग तो नहीं बोलेंगे हम उसको, डेड बोल देंगे, या वो अपने कोमा से वापस आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये लिविंग है। लेकिन एट दिस स्टेज जो हम उसको मतलब सिग्निफाई नहीं कर सकते कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, डेड है। और ये आपका एक क्वेश्चन है, इसे मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में इसको
बनाया है, आप उसमें इसके आंसर देख सकते हो कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो ऑल ओवर हमने इस लिविंग सेक्शन में ये पढ़ा कि लिविंग होता क्या है, और लिविंग चार मेन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, और इनमें से सिर्फ जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपके पास हैं। जो हमने चार फीचर्स को पढ़े वो सारे करेक्टरिस्टिक थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और क्या था, मेटाबॉलिज्म, और एक है कॉन्शियसनेस। ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक फीचर थे, लेकिन सिर्फ हमने मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं पढ़ा, और कॉन्शियसनेस में सिर्फ एक कॉमा के केस में हमें थोड़ा सा एक्सेप्शन पढ़ने को मिला है। तो डिफाइनिंग फीचर जो है मेटाबॉलिज्म और एक कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को भी हम परफेक्टली नहीं बोल सकते हैं, एक डिफाइनिंग फीचर। तो इस तरीके से आपका लिविंग सेक्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी।